खबर जनपद बागपत से है, जहां बागपत के टिकरी गांव के किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, जमकर किया हंगामा। आपको बता दें कि बागपत के कस्बा टिकरी के दर्जनों किसान आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर जिलाधिकारी से बात करते हुए बताया कि गांव में एक देव की तालाब है जिसकी खुदाई चल रही है। वहां पर कार्य कर रहा राहुल ठेकेदार, जो तालाब पर बने मकान वाले लोगों से रुपए लेकर कब्जा कर रहा है और बाकी बचे तालाब की कचरे के ढेर से मेट रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि इस चीज की उच्च अधिकारी से जांच कराकर तालाब को कब्जा मुक्त कराया जाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष कुशेंद्र राठी ने बताया कि गांव से गंदे पानी का नाला कृष्णा नदी में गया है, जिसको कुछ किसानों ने कब्जा कर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से टिकरी कस्बे के कई घरों में पानी घुस रहा है और खेतों में किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। इसकी भी जांच कराकर खुदाई कराई जाए। इस मौके पर भाकियू जिला उप प्रमुख महासचिव कुलवीर राठी, भाकियू एनसीआर मीडिया प्रभारी अंकुश राठी, राजेंद्र राठी, जितेंद्र राठी, आजाद राठी, जयप्रकाश राठी, वीर सिंह राठी आदि लोग मौजूद रहे। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो तालाब है, तालाब की घेर लिया लोगों ने, वो प्रशासनिक जो हमारे ठेकेदार है, ईओ है, इनके थ्रू वो घेर लिया गया। हमारे यहाँ पे चेयरमैन है, उसने कमीशन लेकर वो घिरवा दिया। हमारे यहाँ से गांव से पानी निकलने की कोई स्थिति नहीं है। सब पानी जो पड़ोस के घर है उनमें भरते हैं, उनके महंगे महंगे मकान हैं, काफ़ी उन्होंने पैसे लगा करके, पूरी जीवन की कमाई लगा करके मकान बनाए हैं, अब जब गिरने की स्थिति में है, किसान करेगा क्या करेगा बताओ आप। तो इसमें ये है कि हमारा वो जो वहाँ पर जोड़ है, देव की जोड़ बोलते हैं तालाब उसको हम, 15,555 मीटर का है वो, और वो घेरने के बाद में सिर्फ 6,000 मीटर छोड़ दिया। और ठेकेदार है, जो ठेकेदार कह रहा कि खोद डाल वहाँ से, लेकिन जो उसकी पाड़ है, सौंदर्यकरण में आ चुका हो, जो उसकी पाड़ है वो उसने घास से और चौड़े से, जो उसमें से चौड़ा निकल रहा उससे बांधने शुरू कर दी। उसमें पानी भर कर पीछे मकानों भर रहा, पानी निकलने की कोई स्थिति नहीं है, किसान करे क्या। तो हम इसी वजह से एडीएम साहब के और डीएम साहब के दौरा आए कि हमारी क्या आश्वासन दिया एडीएम साहब। एडीएम साहब कह रहे कि हम अपनी टीम भेजेंगे वहाँ पे और टीम पे निरीक्षण करेंगे, और जितना भी वो तालाब है 15,555 मीटर, उस पे हम कब्जा मुक्त कराएंगे उसको जल्दी। कुलवीर राठी, जब बागपत कलेक्ट्रेट पर आए हो, क्या पूरा मामला है भाई? मामला ये है, टिकरी कस्बे में देव की तालाब है, खसरा नंबर 83 है उसका, 18.5 बीघे का तालाब है वो, तो उसकी खुदाई चल रही है। आज के मौके पे वो फिलहाल 6-7 बीघे रह रहा, और उसकी भी ठेकेदार ढंग से खुदाई नहीं कर रहा है, जिस पैसे ले रहा बराबर वालों से, और उनकी जगह छोड़ रहा, कहने लगा ये एक तरीके से कहना प्लॉट के तरीके से तालाब को लग रहा बेचण, उसकी जितना बच रहा उसकी भी सही ढंग से खुदाई नहीं कर रहा, और जो खुदाई कर भी रहा है उसकी जो मेन की तालाब बननी चाहिए वो मिट्टी से बननी चाहिए, मिट्टी से न बांध के उसकी को मेन जो कचरा निकल रहा है जो तालाब से, उसी से उसकी वो मेंड बांध रहा है, और उसी से निकलने वाला एक तालाब से निकलने वाला जो पानी की निकासी है, जो कृष्णा नदी में पड़ता है नाला, गंदा नाला, वो टीकरी कस्बे से निकल की सीम से आगे चल गए सूजती रकबे में और गांगनोली में, वो उस पर अवैध कब्जा हो रहा है। तो एडीएम साहब से मिले, दोनों चीज़ की दरखास्त दी, और वो उसके नाला बंद कब्जा मुक्त करवा के उसकी खुदाई का के लिए बोलिया, तालाब को सही मानकों के हिसाब से तालाब की खुदाई के लिए बोलिया। तो एडीएम साहब ने आश्वासन दिया, कहने लगा इन पर हम जांच करवा के अपनी पूरी कार्रवाई करवावेंगे, तालाब को जैसा खुदना चाहिए ऐसे ही खुदवावेंगे। और रहा उसके नाले का, गंदे नाले का, उसके लिए अभी इनको हमने पहले भी 3-4 बार इन्हें दे रखा, बोल रखा, तो उसके लिए एडीएम साहब बोल रहे, कहने लगा उस पर हमने कार्रवाई चालू कर दी।